डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टीवी कनाडा में भी कोरोना वायरस के नए किस्म का एक मरीज सामने आ गया ब्रिटिश कोलंबिया के लैब की रिपोर्ट ने तस्दीक कर दी इन्वायमिंग कनाडा ने मश्रकी ऑनटेरियो और मगरबी क्यूबे के कुछ हिस्सों के लिए मौसम सरमा में मौसम की एडवाइजरी जारी कर दी मश्रकी ऑनटेरियो और मगरबी क्यूबे के कुछ हिस्सों में तेज बर्फबारी और बारिश का इम्कान जाहिर किया गया में के वार तेजी से जारी हैं कनाडा भर में कोरोना वायरस का शिकार मरीजों की मजमू तादाद पांच लाख बावन हजार बीस हो गई दुनिया भर में कोरोना अफरा की तादाद आठ करोड़ ग्यारह लाख तिरानवे हजार पाँच सौ सत्तानवे तक जा पहुंची है सत्रह लाख तिहत्तर अस्सी हो गईं। अमरीकी शहरियों का दबाव ट्रम्प ने 900 अरब डॉलर के कोरोना बिल पर दस्तखत कर दिए अगर सदर बिल पर दस्तखत ना करते तो हुकूमत को जुजवी शटडाउन का सामना करना पड़ता चीन में कोरोना से मुतालिक सबसे पहले खबर देने वाली खातून साफी को चार साल कैद की सजा खातून खातू को रवा बरस मई में गिरफ्तार किया गया था अमेरिका में क्रिसमस पर धमाका किसने किया मुलजिम की शिनाख्त जाहिर कर दी गई धमाका मुकामी शहरी एंथोनी वार्नर ने किया 2020 की स्टाइल आइकॉन शख्सियात में मशहूर खातिन को पीछे छोड़ दिया हैरी स्टाइल को गूगल की मशहूर तरीन स्टाइल आइकॉन शख्सियत करार दिया गया है मारूफ भारती कोरियोग्राफर ने अट्ठानवे किलो वजन कैसे कम किया गणेश आचार्य का वजन 200 किलो से 102 किलो पर आ गया हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ आज ही अपनी करीबी फार्मेसी ऐसी खरीदे या हमारी वेबसाइट आरोप ऑर्डर करें डब्ल्यू 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 डॉट डॉट कॉम कैनेडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल ट्रस्ट वर्दी एंड ऑनेस्ट लॉ फॉरम ऑफ शिखा शारदा नाइन जीरो फाइव नाइन फाइव सिक्स 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 फैमिली लॉ रियल एस्टेट विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम के लिए लॉ फॉरम ऑफ शिखा शारदा नाइन जीरो फाइव नाइन फाइव सिक्स 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 नाइन नाइन पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है कॉल लॉयर शिखा शारदा नाइन जीरो फाइव नाइन फाइव सिक्स 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 नाइन नाइन ब्रिटिश कोलंबिया की जानब से वैंकूवर में कोरोना वायरस की नई किस्म का मरीज सामने आने के बाद मजीद केसेस की तलाश शुरू कर दी मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में बरतानिया में सामने आने वाले कोरोना वायरस की नई किस्म का ब्रिटिश कोलम्बिया ने वैनकोवर के जजीरे के एक रहायशी में होने का इंकशाफ किया है सुबह वजारत सहत के मुताबिक बरतानिया में दरिया नई कोरोना वायरस की किस्म पहली मरतबा वैनकोवर के जजीरे के रहायशी में सामने आई है डॉक्टर बोनी हेनरी और वजीर साहत एड्रिक्स की मुश्तर बयान में कहा गया है ब्रिटिश की ब्रिटिश कोलम्बिया की जानब ऐसी बरतानिया में कोविड नाइन्टीन की नई कस्म ऐसी मुतासर शख्स के पहले वाक्य की निशानदही की गई है डॉक्टर हेनरी की दरख्वास आरोप ही में अमेरिका से वापस आने वाले मुसाफरों से कोविड 19 के नमूने लेने के मरकज के जायजे के दौरान ब्रिटिश कोलम्बिया सेंटर बराए अमराज काबू आरोप इसके सेहत का पता इस पब्लिक हेल्थ लैब में लगाया गया डॉक्टर हेनरी का कहना था की हम इस तरह के दीगर केसेज की तलाश में मसरूफ अमल है पब्लिक हेल्थ ऑफिसर का कहना था की हमें तश्वीश है अगर की अगर यहाँ कोरोना की नई कस्म के मज़ीद बहुत ऐसी केसेस सामने आ सकते हैं इन वार्मिंग की जानब से मशरकी ऑनटेरियो और मगरबी क्यूबे के कुछ हिस्सों में 10 सेंटीमीटर तक बर्फबारी और बारिश की पेशगोई की है जिसमें बाद शिद्दत आ सकती है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में इन्वायरमेंट कनेडा ने मशरकी ओनटेरियो और मगरबी क्यूबैक के कुछ हिस्सों के लिए मौसम सरमा में मौसम की एडवाइजरी जारी की है जिसमें कौमी दारुल हुकूमत का इलाका भी शामिल है एनवायरमेंट कनेडा ने मश्रकी ओनटेरियो और मगरबी क्यूबैक के कुछ हिस्सों में 10 सेंटीमीटर तक बर्फ की पेशगोई की थी गुजश्तर रोज बर्फबारी का आगाज होना था जिसमे रातों रात शिद्दत आने की पेशकोई की गयी थी जो अगले रोज की सुबह तक जारी रहेगा और फिर बाद में बदल सकता है एनवायरमेंट कनेडा की जानब ऐसी जारी की गई एडवाइजरी में ओटावा ओटावा वैली, पिटावा, और गेटिनो के लिए ज्यादा मौजूद करार दिया गया था कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद चौदह हजार नौ सौ तिरसठ हो गई। क्यूबिक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में कैनेडा भर में करोना के मरीजों की मजमुई तादाद पाँच लाख बावन हजार बीस हो गई जबकि हलाकतें चौदह हजार नौ सौ तिरसठ हो गयी क्यूबैक सूबह करोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है सूबे भर में करोना वायरस के मजमुई केसेस की तादाद एक लाख बानवे हजार छह सौ पैंसठ हो गयी है जबकि सूबे में करोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद आठ हजार तेईस तक पहुँच चुकी है ऑनटेरियो में कोरोना वायरस ऐसी मुतासर होने वालों की तादाद एक लाख तिहत्तर हजार छह सौ पचपन तक जा पहुँची है जबकि हलाकतों की तादाद चार है कैनेडियन सूबे अलबर्टा में तिरानवे हजार सात सौ इक्यासी अफराध करोना वायरस ऐसी मुतासर हुए हैं जबकि आठ सौ नब्बे अफराध हलाक हो चुके हैं ब्रिटिश कोलम्बिया में अड़तालीस हजार छह सौ नौ अफराध में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है जबकि सूबे में कोरोना वायरस ऐसी होने वाली हलाकतों की तादाद आठ सौ आठ है कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर ममालिक में 33 करोड़ से ज्यादा आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है जहां इस वायरस से अब तक तीन लाख इकतालीस हजार एक सौ अड़तीस अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में दुनिया का कोई खतर कोरोना वायरस की मूजी वबा ऐसी महफूज नहीं इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है दुनिया भर में कोरोना वायरस ऐसी मुतासर अफरा की तादाद आठ करोड़ ग्यारह लाख तिरानवे हजार पाँच सौ सत्तानवे तक जा पहुँची है जबकि इस मूजी वायरस ऐसी हलाकते सत्रह लाख तिहत्तर हजार अस्सी हो गयी जबकि पाँच करोड़ तिहत्तर लाख सैंतीस हजार सतहत्तर करोना मरीज सेहतियाब हो चुके हैं कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवाती के एतबार ऐसी दस सरे फहरस ममालिक में तैतीस करोड़ ऐसी ज्यादा आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर आरोप है जहां इस वायरस से अब तक तीन लाख इकतालीस हजार एक सौ अड़तीस अफराध मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमु तादाद एक करोड़ पचानवे लाख तिहत्तर हजार आठ सौ सैतालीस हो चुकी है एक अरब से ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी ऐसी इजाफे के साथ इस फहरिस में दूसरे नंबर आरोप है जहाँ इससे एक लाख सैतालीस हजार नौ सौ चालीस हलाकते हो चुकी है जबकि इस मूसी वायरस मरीजों की तादाद एक करोड़ दो लाख आठ हजार सात सौ पच्चीस हो है कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की इस फायरस में ब्राजील तीसरे नंबर पर है जहां ये जानलेवा वायरस एक लाख इक्यानवे हजार एक सौ छियालीस जिंदगियाँ निकल चुका है जबकि कोरोना मरीजों की तादाद चौहत्तर लाख चौरासी हजार दो सौ पिचासी तक जा पहुँची है कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात पचपन हजार दो सौ पैंसठ हो गयी जबकि इसके मरीजों की तादाद तीस लाख अठहत्तर हजार पैंतीस हो चुकी है फ्रांस में कोरोना वायरस की वबा ऐसी मजमुई अमवात बासठ हजार सात सौ छियालीस हो चुकी है जहाँ इसके अब तक कुल केसेस पच्चीस लाख उनसठ हजार छह सौ छियासी रिपोर्ट हुए हैं इटली में कोरोना वायरस ऐसी कुल अमवात की तादाद इकहत्तर हजार नौ सौ पच्चीस हो गयी जबकि इसके कुल केसेस बीस लाख सैतालीस हजार छह सौ छियानवे हो गए सऊदी अरब इसी फहरिस में 31वें नंबर आरोप पहुँच चुका है जहाँ कोरोना वायरस ऐसी अब तक कुल अमवाद छह हजार एक सौ पिचासी रिपोर्ट हुई है जबकि मुम्लिकत में इसके मरीजों की तादाद तीन हजार दो बीस तक जा पहुंची है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना इमदादी पैकेज पर दस्तखत करके उसे कानून की शक्ल दे दी अगर सदर बिल पर दस्तखत ना करते तो तकरीबन एक करोड़ बेरोजगार अमरीकी इमदाद से महरूम रह जाते मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में नौ मुंतब सदर जो बाइडन और अमरीकी शहरियों का दबाव काम कर गया सदर ट्रंप ने नौ सौ अरब डॉलर के करोना इमदादी पैकेज के बिल पर दस्तखत कर दिए अमरीकी सदर डोनल्ड ट्रंप ने कोरोना इमदादी पैकेज पर दस्तखत करके इसे कानून की शक्ल दे दी अगर सदर बिल पर आज दस्तखत न करते तो हुकूमत को जुजवी शट डाउन का सामना करना पड़ता और तकरीबन एक करोड़ बेरोजगार अमरीकी इमदाद ऐसी महरूम रह जाते इससे पहले सदर ट्रंप ने बिल आरोप दस्तखत करने ऐसी ये कहकर इनकार कर दिया था की लोगो को इससे ज्यादा इमदाद देनी चाहिए दोनों पार्टियों ने का तौर पर मंजूर किया था चीन में कोरोना से खबरें ब्रेक करने और सुस्त रद्द पर हुकूमत को तनकीद का निशाने बनाने वाली सैंतीस साल खातू को चार साल कैद की सजा सुनाई गई है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में आलमी खबर इदारे के मुताबिक चीन में सैंतीस साल खातून को चार साल कैद की सजा सुनाई गयी है खातून सहाफी पर अपनी खबरों के जरिए तनाजात को हवा देने और बदमनी पैदा करने का इल्जाम था। खातून सहाफी ने गुजा बरस फरवरी में ही एक पुरार वायरस के फैलाव का इंकशाफ किया था और उनकी तहकीकती रिपोर्ट सोशल मीडिया आरोप वायरल भी हुई थी जिनमें हुकूमती सुस्त रद्द अमल आरोप कड़ी तनकीद की गयी थी रवान बरस मई में सहाफ़ी को हिरासत में भी ले लिया गया था दौरान हिरासत खातू ने ताद में मर्ग भूख हड़ताल भी की थी ताहम सिक्योरिटी एहलकारों ने अदालत के हुक्म आरोप सहाफी को मेडिकल ट्यूब लगा कर जबरदस्ती खाना दिया जाता था वोहान में पुर असर वायरस के फैलाव ऐसी मुतालिक सोशल मीडिया आरोप सबसे पहले इतला देने वाले डॉक्टर को भी पुलिस ने गुजश्ता बरस हिरासत में ले लिया था ताहम बाद में रिहा कर दिया था और बदकिस्मती ऐसी वो भी कोरोना का शिकार होकर अपनी जान की बाजी हार गए थे अमेरिका के शहर नेश में क्रिसमस के मौके पर धमाका करने वाले शहरी की जाहिर कर दी गई धमाके से कबल ऑडियो रिकॉर्डिंग भी चलाई गई है मजीद मजीदी तफस में अमरीका के शहर क्रिसमस के मौके पर धमाका करने वाले शहरी की शनाख जाहिर कर दी गई धमाके से कबल ऑडियो रिकॉर्डिंग भी चलाई गयी थी हुकाम ने तस्दीक कर दी है की अमरीकी शहर नेशल में क्रिसमस आरोप धमाका तिरसठ साल मुकामी शहरी एंथोनी वार्नर ने किया मुलजम धमाके में खुद भी जख्मी हो गया था अमरीकी शहर नेश में धमाके से कबल ऑडियो रिकॉर्डिंग भी चलाई गई थी नेशवेल में क्रिसमस के रोज गाड़ी में होने वाले धमाके से तीन अफ़राज जख्मी जबकि चालीस इमारतों को नुकसान पहुंचा था नेशवेल के मेयर का कहना है कि वाक में मुतासर ए टी एंड टी की इमारत और धमाके में मुमकिन तौर पर कोई ताल्लुक लगता है स्टाइल रवा बरस अपने मुतनाज़ अंदाज़ के बावजूद गूगल की स्टाइल आईकॉन शख्सियात में सर फहरिस्त जगह बनाने में कामयाब रहे जारी फेरिस के टॉप टेन शख्सियात में मैगन मार्कल बिली एलेश और कैंडल जैसी मशहूर शख्सियात भी मौजूद हैं मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में गलोकार हैरी स्टाइल मैगजीन वॉक के सरे वर्क की जीनत बने अपने लिबास के बाईस साल साल मौजुए बहस रहे तहम अब हैरी स्टाइल गूगल की मशहूर तरीन सेलेब्रिटी आईकॉन में बड़ी और मशहूर खातिन शख्सियात को भी पीछे छोड़ने में कामयाब हो गए बरतानवी वेबसाइट मिनी को डॉट यू के की जानब से जारी फहरस् में अदाकार हेर स्टाइल को गूगल की मशहूर तरीन स्टाइल आईकॉन शख्सियत करार दिया गया है जारी फहरिस्त के टॉप टेन शख्सियात में मैगन मार्कर, बिले आलिश और कैंडल जैसी मशहूर शख्सियात भी मौजूद है तहम हेर स्टाइल रवा बरस अपने मुतनाज़ अंदाज के बावजूद गूगल की स्टाइल आईकॉन शख्सियात में सर फहरिस्त जगह बनाने में कामयाब रहे भारत के मारूफ कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने अठानवे किलो वजन कम करके सबको हैरान कर दिया उन्होंने बताया ऐसा एक रात में नहीं हुआ बल्कि वो गुजश्ता कई सालों से रोजाना मुस्तकिल मिजाजी से वर्कआउट कर रहे हैं मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में भारत के मारूफ कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने अठावन किलो वजन कम करके सबको हैरान कर दिया और अब उनका वजन 200 किलो से 102 किलो पर आ गया है भारतीय कोरियोग्राफर हाल ही में मारूफ कॉमेडी शो दी कपल शर्मा शो में जलवागर हुए थे जहां उन्होंने बताया कि उन्होंने अठानवे किलोग्राम वजन कम किया है उन्होंने बताया ऐसा एक रात में नहीं हुआ बल्कि वो गुजशतर कई सालों से रोजाना मुस्तकिल मिजाजी से वर्कआउट कर रहे हैं गणेश आचार्य ने मजीद बताया की वजन कम करने के लिए उन्होंने एक पर्सनल ट्रेनर भी रख लिया था जिसकी वजह ऐसी उन्हें वजन कम करने में काफी मदद मिली गणेश आचार्य अपने इंस्टाग्राम अकाउंट आरोप भी वर्कआउट करने के साथ साथ अपने इस ऐसी मुतालिक और वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं ख्याल रहे कि कोरियोग्राफर गणेश आचार्य को बेहतरीन कोरियोग्राफर के अवॉर्ड से भी नवाजा जा चुका है टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू टीवी Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe.